व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम् दीर्घ आयुष्यम् बलम् सुखम् आरोग्यम् परमम् भाग्यम् स्वास्थ्यम् सर्वार्थ साधनम्। अर्थात व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु, बल और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम सौभाग्य है और जिस मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा होता है उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं दलवीर सजवान और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के इस ऑनलाइन सेशन में। तो साथियों, हर साल 21 जून यानी कि आज के दिन पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो अगर आपके मन में भी कई प्रकार के सवाल चल रहे हैं कि 21 जून को ही योग दिवस क्यों मनाया जाता है, योग दिवस की शुरुआत कब से हुई थी, प्रत्येक वर्ष भारत में योग दिवस का मुख्य आयोजन कहां पर किया गया और प्रत्येक वर्ष इसकी क्या क्या थीम थी, तो आप इस वक्त बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को और जानते हैं इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को। तो साथियों, सबसे पहले हम अपने पहले क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं कि योग दिवस की शुरुआत कैसे हुई। तो साथियों, 17 सितंबर 2014 को जब भारत के प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र सभा को न्यूयॉर्क में संबोधित कर रहे थे तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा महासभा में योग के फायदों पर प्रकाश डाला गया। उस वक्त यूएन में भारत के राजदूत रहे अशोक मुखर्जी ने भारत की तरफ से विश्व योग दिवस मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखा था। इस प्रस्ताव को 11 दिसंबर 2014 को महासभा के 193 सदस्य राष्ट्रों में से 177 सदस्य देशों की सहमति मिली और 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने पर सहमति दर्ज की गई और इसी के साथ पूरे विश्व ने 21 जून 2015 को अपना पहला योग दिवस भी मनाया। तो साथियों, आप जान लेते हैं कि 21 जून को ही क्यों इस दिन का प्रस्ताव भारत के द्वारा यूएन को भेजा गया था। तो आपको बता दें कि भारतीय संस्कृति के अनुसार ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन भी होता है। इस दिन सूर्य जल्दी उदय होता है और देर से ढलता है। यह दिवस सूर्य की भांति मनुष्य में दीर्घ जीवन को दर्शाता है। इसके साथ इस दिन सूर्य का तेज सबसे ज्यादा प्रभावी रहता है और प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा सर्वाधिक सक्रिय इसी दिन रहती है। इसके साथ साथ पौराणिक कथाओं में भी इसका विवरण मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार योग का पहला प्रसार भगवान शिव व उनके सात शिष्य जिन्हें आप सप्तऋषि के नाम से भी जानते हैं, तो इनके ही द्वारा ग्रीष्म संक्रांति के बाद आने वाली पहली पूर्णिमा पर किया गया था और इसे ही हम दक्षिणायन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जब सूर्य दक्षिण की ओर चलना शुरू हो जाएगा तो इसे हम दक्षिणायन कहेंगे। तो ये सारे तथ्य हैं कि 21 जून के ही दिन को इस दिवस के लिए क्यों चुना गया। तो साथियों, अब हम जान लेते हैं कि 2015 से इस दिवस का मुख्य आयोजन भारत के किन किन शहरों में किया जा चुका है। तो पहले योग दिवस यानी कि 21 जून 2015 को इसका पहला मुख्य आयोजन दिल्ली के राजपथ में किया गया था। इस वर्ष भारत समेत 84 देशों ने इसमें प्रतिभाग किया। इसके बाद 2016 में इसका मुख्य आयोजन चंडीगढ़ में हुआ। इस वर्ष 150 देशों ने इसमें शिरकत की। इसके बाद 2017 में भी इसका मुख्य आयोजन चंडीगढ़ में ही किया गया। इसके बाद वर्ष आता है 2018 का, तो 2018 में देहरादून के FRI में इसका मुख्य आयोजन किया गया था। इस वर्ष 50,000 से ज्यादा लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ योग करके एक रिकॉर्ड बनाया व इस वर्ष 181 देशों ने इसमें प्रतिभाग किया। इसके बाद 2019 में इसका आयोजन रांची में किया गया। यह पहला मौका था जब सेना के जवानों ने भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ इसमें योग किया था। तो साथियों, आप बात कर लेते हैं 2020 की। तो 13 मार्च 2020 को आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक के द्वारा सूचना दी गई थी कि इस वर्ष योग दिवस का मुख्य आयोजन लद्दाख की राजधानी लेह में किया जाएगा, लेकिन जिस वक्त तक यह वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है उस वक्त तक हमें किसी प्रकार का अपडेट अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते यह कार्यक्रम टाला गया है या नहीं टाला गया है। खैर, अब हम बात कर लेते हैं कि 2015 से लेकर इस वर्ष यानी कि 2020 तक इस दिवस की थीम क्या क्या रह चुकी है। तो 2015 में इसकी थीम थी सद्भाव और शांति के लिए योग, यानी कि योग ऑफ हार्मोनी एंड पीस। 2016 में इसकी थीम थी युवाओं को कनेक्ट करें, यानी कि कनेक्ट द यूथ। 2017 में इसकी थीम थी स्वास्थ्य के लिए योग, यानी कि योगा फॉर हेल्थ। 2018 में इसकी थीम थी शांति के लिए योग, यानी कि योगा फॉर पीस। और 2019 में इसकी थीम थी हृदय के लिए योग, यानी कि योगा फॉर हार्ट। और कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखकर 2020 की जो थीम तैयार की गई है यह आपकी घर पर योग, परिवार के साथ योग, यानी कि योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। तो साथियों, हर साल 21 जून को मनाए जाने वाले इस दिवस का स्वस्थ जीवन पाने की दिशा में बहुत अधिक महत्व है। योग को प्राचीन भारतीय कला का एक प्रतीक भी माना जाता है। भारतीय लोग योग को जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए अति महत्वपूर्ण मानते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य योग के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है और योगा डे का महत्व इसलिए भी आजकल बढ़ जाता है कि आप अपने आसपास रोजमर्रा के कार्यों में कई प्रकार के तनाव से आजकल घिरे रहते हैं और योग जीवन को तनाव मुक्त बनाने में मददगार साबित हो सकता है। कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो साथियों, इस पूरे प्रकरण पर आप क्या सोचते हैं,
तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर साझा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज जरूर लाइक कीजिए, और यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत